السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الامين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون صَدَقَ اللهُ العَليُّ العَظيمُ ونفعني وإياكم بالذِكرِ الحَكيم من نوى मैंने आपके सामने सूरह बकरा سورة इस फोर्टी सेवन सैंतालीस में भी फिर रिपीट होगी फोर्टी फोर्टी सेवन आज का जो बयान है ना कस कुरान के सिलसिले में कुरान के जो वाक़ हैं क़स्से उसमें में क़स्ए बनी इसराइल उसका एक तारफ़ है ये जो क़स्सा है ना क़स्ए बनी इसराइल अब एक फितरी सवाल पैदा होता है कि हम अभी तो खिलाफत की बात कर रहे थे कुरान का आगाज हो रहा है ये बनी इसराइल कहाँ से आ गए यही बात है कि कुरान के जो रमूज हैं उसकी जो तरतीब है इसके अंदर बड़े बड़े राज छुपे हुए और अल्लाह ताला मुझे आपको तोफीक दे कि हम वो राज एक्सप्लोर कर सकें उनको समझ सकें यहाँ भी यही मामला है आप तवज्जो कीजिए ये किस्से क्यों जरूरी है मानिए जानना अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में कहा है लक़त खानफीका साइबरतलबाबाब और ये आप देखते हैं कि बच्चों को जब पढ़ाया जाता है छोटी उम्र से ही जब उनकी तालीम और तरबियत का आगाज़ होता है तो बात अक्सर स्टोरीज़ से ही शुरू होती है आप और कहें उनको स्टोरी बुक्स पढ़ाई जाती हैं रात को सोने के वक्त स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं ये कहानी जो है ना इसमें कहानी में जो सबक होते हैं ना उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही एक प्यारे अंदाज में वाक़ात बताकर स्सा बताकर हमारे लिए आसानी कर दी है कि ताकि हम पर जो भी आगे अहकाम आएंगे या मसले बताए जाएंगे वो हमें समझने आसान होंगे एक तो ये हमत इसके पीछे दूसरी हमत कुरान के आगाज में ही बनी इसराइल का आ जाना मैं वो रिवायती बातें इस वक्त नहीं करूंगा जो हमारी तफासिर में लिखी हैं वो सबको पता है वो मतलब जो भी ज़रा थोड़ी बहुत भी तफसीर पढ़ता है वो जानता है कि ये मदनी सूरत थी मदीना में यहूद थे और सबसे पहले मुसलमान यानी एक्सपेक्टेड टू बी मुस्लिम वो वही होने थे वो सारी बातें हमने अपने फैमुल कुरान के दरूस में बहुत खुल के बयान की मगर वहां पर भी जो मैंने बात बयान की आज भी मैं आपके सामने वीडियो में बुलाना चाह रहा हूँ आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमारी जो मेरे चैनल पे जाइए प्ले लिस्ट में जाके फैमुल कुरान की प्ले लिस्ट को जरूर वॉच करना शुरू कर दीजिएगा उससे और औरों को भी सिखाएं अल्लाह की किताब लोगों के दिलों में उतरे ताकि उनको समझ में आए उस पर गौर करें और जिंदियां हमारी संवर जाएँ दुनिया भी संवरेगी सिर्फ आखिरत की बात नहीं हो रही दुनिया भी संवरेगी अब जो नुकता हमारे लिए जो गौर तलब है ना वो ये है कि इतना शुरू में बनी इसराइल का तस्करा होने का मतलब यह है कि इसका यकीन कुरान के तमहीदी मजमून से कोई ताल्लुका है याद रखें मैंने जैसे बताया कि जो कुरने पाक का पहला सिपारा है ना यह सूर बकरा का तकरीबन मोर देन वन थर्ड ऑलमोस्ट वन हाफ कह लें एक्चुअली वन फोर्थ वन फिफ्थ या वन हाफ कह लें आप तकरीब आधा ही कह लें ये आधाश जो हिस्सा है सूरह बकरा का और या कुरान का शुरू का एक पहला सिपारा जो है फातिहा से लेकर पहले सिपारे के अख्तितम तक तहवीर किबला तक ये हमारे लिए एक तमहिद कायम की जा रही है एक मुकदमा कायम किया जा रहा है प्रेफ़िस है वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना इंट्रोडक्शन है अगर वो आपने ना समझा तो आगे मसला समझ में नहीं आएगा हमें असल में अल्लाह तौचन कर रहे हैं अलर्ट कर रहे हैं के खिलाफत तुमसे पहले एक और कौम को भी मिली है तुमसे पहले तुम उम्मत मोहम्मदिया यानी हम अब तो हम मुखातिब ना मुखातिबे न सल्ला रसोल्ला की उम्मत आका की उम्मत अब हम हैं हमसे खिताब हो रहा है मगर हमसे पहले किस को भी मनसब खिलाफत मिला था जो सबसे ज्यादा अल्लाह की चहीते लाडली कौम थी ना वो थी कौम बनी इसराइल बनी इसराइल का मतलब क्या है इसराइल की औलाद और इसराइल कौन है इसराइल तो एक मुल्क का नाम भी है नाम मुल्क का आप जानते ही हैं, तो अपार्थाइड स्टेट उसे बोला जाता है ना, तो इसराइल कौन है फिर इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि ये जब लोग नाउज़ुल्ल गाली दे देते हैं ना इसराइल फलाना तेरी इसराइल पे लानत नाउज ना ये ध्यान कीजिएगा असल में इसराइल जो है वो अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है जी हाँ जैसे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मोहम्मद से भी जानते हैं और अहमद से भी जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बहुत सारे अल्लाह के अंबिया जो उनके एक से जायद नाम है इस सैदना याकूब आसम का दूसरा नाम है इसराइल और उनके जो बारह आगे बेटे हुए ना उन, उनको हम कहते हैं बनी इसराइल इसराइल की औलाद इसराइल के बेटे इसराइल की नस्ल, क्योंकि ये बारह बेटों से आगे बन गए बारह कबीले इन बारह बच्चों में बच्चों में मशहूर तरीन जो हैं वो हैं अल्लाह के नबी सईदना यूसुफ आलाम और सदना यूसुफ आलाम के साथ बे बिन यामीन बेंजमिन जिन्हें बोलते हैं हज़रत बिन यामीन और तीसरा है यहूदा तो याकूब आसम का दूसरा नाम है इसराइल इनके जो बारह बेटे हैं उनमें मशहूर जो बेटे हैं वो है यूसुफ आलाम बिनिया मीन और यहूदा ये तीन तो बहुत मशहूर हैं यहूदा भी एक मशहूर है यहूदी इससे नहीं बहरहाल बना यहूदी के पीछे खाली यहूदा नहीं है वो इन्ना हुदना हदनाक वाला वाक बहरहाल बनी इसराइल ये जब बारह कबीले बने तो ये पूरी कौम बन गई और ये मुसलमान थे अपने दौर के वन मुस्लिमून ने गवाहियाँ दी इनके जो वाकयात हैं ना अगर वो मुसलमानों को समझ में आ गए ना तो शायद मु, मुसलमान अपनी जो इस वक्त हालतार है उससे उसमें कुछ अपने लिए बेहतरी का कुछ समान कर सके यकीन माने कुरान में अगर कोई चीज है ना इस वक्त आज के दौर में खूस आज के दौर में तो ये बनी इसराइल के वाकत हैं जिनको हमें सीरियसली लेना है और उस दिन से ही अल्लाह ताला ने इसको शुरू में कुरान के इसलिए रखा कि हमारे सामने एक मुकदमा रख दिया जाए एक केस स्टडी भी रख दी जाए पहला उस मुकदमे का आगाज है खिलाफत कि तुम्हारा खालिक कौन है अल्लाह ताला उसकी अःदीत उसका उसका मानना सब कुछ बता के फिर बता दिया खलीफा साथ अब बता दिया कि ये देखो इनको भी खिलाफत मिल चुकी है तुमसे पहले और ये बायसे शर्मिंदगी हुए ये वो हैं जो अपने आबा अजदाद के लिए बायसे शर्मिंदगी हैं ये लोग इन्होंने नबियों के साथ बहुत कुछ किया है तो अब तुम देख लो कि तुमने इस खिलाफत को कैसे संभालना है यानी बिल्कुल ऐसे है कि आपको एक रेफरेंस मैनुअल मिला ये आपने ऐसे चलाना है और साथ ही उस मैनुअल के आपको कुछ तस्वीरें दे दी गई कि ये तस्वीरें देख लो ये ये वो लोग हैं जिन्होंने काम खराब किया ये उन कल्परेट्स के नाम देख लो और ये वो हैं कल्प्रेट जो बहुत हाई पोजीशन पर थे बड़े इज्जत वाले लोग थे और ये डूब गए ये है सारा इसका मामला ये बात जहन में रखेंगे ना आप तो इनशाला मैं आपको अगली निश्चित में जब हम बैठेंगे तो मैं आपको कुछ वाक चीदा चीदा जो हैं वो सुनाऊंगा जो अगले समझे पूरा एक से आपका इसमें कवर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से क्योंकि बहुत सारे वाकयात हैं और हर वाकयात जो है ना हर वाकया स्टोरी व वा इज व इज और जब ये हुआ और जब ये हुआ वो छोटा छोटा इख्तिसार के साथ वो कितनी स्टोरीज हैं तो अब हम उन सारी स्टोरीज की डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे मगर आपको थोड़ा सा उसका एक ना खुलासा समझा देंगे कि ये देखें ये पीछे हो चुका है अब हमने इन वाकयात से क्या सबक लेना है तो अगेन समरी करते हैं इस बात की बनी इस्राइल का जो मैंने आपके सामने रखा आज की की, सी हद पूरा करो और मेरी तरफ ही झुक जाओ ये अल्लाह इनको बुला रहा है हमें भी बुला रहा है हमारा भी अल्लाह से आहेद है ये हमारे लिए केस स्टडी बता दिए ने मैनुअल है कि ये कैसे चलेगा सब निजाम और किस तरह से किसको मैंने पहले चलाने के लिए बोला ये देखो मैं उनको तुम्हारे साथ साथ उनको फिर से दावत दे रहा हूं कि आ जाओ वापिस इस बैनर के नीचे वापिस आ जाओ ये भी उन्हीं नबियों में से एक सिलसिले में से नबी हैं कोई अचंभे की बात नहीं है तुम पहचानते हो नबियों को मेरी नियमित याद करो मैंने तुम पे बहुत इनाम किए और हम पे भी अल्लाह की नेमतें हर वक्त हो रही हैं। वाह था तुम बिल्कुल लिमा साल तुम तुमने जो चाहा अल्लाह ने तुम्हें दिया हर वो नेमत जिसकी हमें जरूरत होना थी हमारी जिंदगी के लिए अल्लाह ने वो हमें पहले से दे रखी है और अल्लाह ने कहा वहीद्द नफसुआ तुम अल्लाह की अगर गिनने की कोशिश करोगे तो तुम इसका शुमार नहीं कर सकते इंसान यकीन बड़ा ही ना शुक्रा है ना शुक्र है म करता है अपने ऊपर और इनकार करता है अल्लाह हमें याद करवा रहे हैं मैं आपको ये बनी इसराइल की जो आयत मैंने पढ़ी जो दो दफा रिपीट होगी आयत नंबर चालीस में और सैतालीस में उस याद रखें अल्लाह की हम पर क्या क्या नियमते हुई हैं और हमारे पिछलों पर भी ये भी हमारे ही पिछले हैं ना हमारे अबाउद ही ये भी। ये भी आदम की औलाद हैं आदम की औलाद हैं नबी इसहा नबी याकूब आसमाम और उनके हम जद हमजद इब्राहिम आसम की औलाद हैं ये इब्राहिमी खानदान है और देखे इनके साथ क्या हुआ कैसे कैसे इन्होंने किन किन खाइयों में गिरे तो ये है सारा वाक जो उस गुरु न्यामती है ना इसमें हमें पैगाम दिया जा रहा है कि ये देखो तुम भी याद रखो ये देखो सबसे बड़ी नमत तो इसी थी ये मकाम खिलाफत इनको आता हुआ देखो इन्होंने उसके साथ क्या किया तुम अब इस मझदार में इस चक्कर में आके इनके वाली गलतियां ना करना अब उनकी गलतियां हमें बताई जाएंगी छोटे छोटे वाकयात की शक्ल में अब वो वाकयात जो हैं, हम इन शह आपको खुलासा पेश करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां थी जो जिसकी वजह से ये मकाम खिलाफत से हटा दिए गए रेट इनको फायर कर दिया गया जॉब से निकाल दिया गया कि अब आप नहीं अब वो जो था ना जिसको आपने देश निकाला दिया बेचारे को जिसको आपने समझा के इसकी तो कोई हैसियत ही है नहीं इसमाही आप ही का वो भाई जो आज भी आपकी किताबों में लिखा है अब उसकी नस्ल में से एक बच्चा इस दुनिया में आया है उसका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो है खलीफातुल उम्मत पूरी उम्मत का इंसानियत का कायनात का वो आ, इस ज़मीन व आसमान के जो मखलूक़ात हैं ना अल्लाह की जितनी क्रिएशंस हैं उन क्रिएशंस का उन उन मखलूक़ात को के ऊपर अल्लाह ताला ने अब ये खलीफा खसूस बिलखसूस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने ख़लीफ़ा मुकर कर दिया अब इस खलीफ़ा की जमात बन जाओ इसके पीछे चल जाओ एक तो फिर मौका मिल रहा है और हमें रिमाइंड कराया जा रहा है कि ये गलतियाँ ना करना देखो कितने बुरे किस 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 मुसीबतों से ये आप गुजरेंगे तो ये था उन नस्करे का यहाँ पे सबब हमत फिलासफी के क्या फलसफा है कि कुरान के, के शुरू में ही बनी इसल के तस्करे होने लगे तो हम रसूल वसलम उम्मत होने के नाते हमें यह समझना है कि ये जो मकाम खिलाफत है इंसान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर मुसलमान हर इंसान को जानना चाहिए अगर वो ये समझ जाए तो वो मैन दी दोन नहीं रहेगा उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि मैंने एक एथिकल लाइफ गुजारनी मुझे एक मॉरल लाइफ गुजारनी है और मुझे ये मॉरलिटी और एथिक्स को प्रोमोट भी करना है इस दुनिया में यही है सारा दिन इसमें उम्मीद है कि बात क्लियर होगी हो होगी इसको अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं आगे चलते हैं आज